हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन एएफ एजुकेशन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आप हिंदी में की बात करें तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं आवृत्ति क्या होती है। तो इससे पहले हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक में कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव की कौन कौन सी मेन करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये करैक्टरिस्टिक्स आपके सामने लिखी हुई है। वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य हिंदी में बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बोलते हैं, एम्पलीट्यूड वेलोसिटी यानी वेग, टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम ले रही है एक ऑसिलेशन में। तो कहने का मतलब है ये हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं। हम वेवलेंथ को पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं हम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होती है। तो इससे पहले हमने वीडियो जो अपलोड किया था वो वेवलेंथ के बारे में वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है। तो जैसा कि आपने देखा है कि जो साउंड वेव्स है वो इस तरह एक वेव बनाती हैं, ये वेव है, इस तरह ये मोशन करती हैं। तो हमने बताया था कि वेवलेंथ क्या होती है। तो वेवलेंथ क्या होती है कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट, जो पास पास की दो नियरेस्ट क्रेस्ट है या जो पास पास की दो नियरेस्ट ट्रप है उनके बीच की दूरी को, इनके बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा से। लैम्डा एक ग्रीक लेटर है और वेवलेंथ जो होती है वो फ्रिक्वेंसी के जस्ट अपोजिट होती है, फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। और वेवलेंथ जो होती है वो अपन लैम्डा से शो करते हैं जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, अब हम जानेंगे फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो ध्यान से देखना कि जैसे ये वेव है वो मोशन कर रही है इस प्रकार, यानी कि एक वेव यहाँ तक हो गई, यहाँ तक एक वेव है वो यहाँ तक हो गई, ध्यान रखना, दूसरी वेव यहाँ तक और तीसरी वेव यहाँ तक, इस प्रकार ये चलती चली जाती है। तो कहने का मतलब है कि फ्रिक्वेंसी वह होती है जो एक सेकंड में कितनी वेव चल रही है, एक सेकंड में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है, एक सेकंड में कितनी वेव बढ़ रही है, उन्हीं को हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। यानी कि एक सेकंड में मान के चलिए एक वेव बनी यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो गई। एक सेकंड में यानी दो वेव बनी यहाँ से यहाँ तक, ये दो वेव हो गई भाई, एक यहाँ तक और दूसरी यहाँ तक, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2 हो गई। यानी कि कहने का मतलब है कि एक सेकंड में कितनी वेव हो रही है, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, द नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन एक ही बात है, हम किसी को भी बोल सकते हैं। तो एक बार मैं फिर बता दूं कि एक सेकंड में कितने दोलन हो रहे हैं उसे हम आवृत्ति कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं, या एक सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं उसे हम आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी कहते हैं। फ्रिक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, HERTZ। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट थे, रूडोल्फ हर्ट्ज, उनके ऑनर में इसकी ऐसा यूनिट को रखा गया है हर्ट्ज, HZ से इसको शो करते हैं। और इसको हम एक ग्रीक लेटर न्यू से शो करते हैं, न्यू NEU, ये इसका सिंबल होता है फ्रिक्वेंसी का, NEU। एक हर्ट्ज, अब हम डिफाइन कैसे करें एक हर्ट्ज क्या होता है, 1 हर्ट्ज क्या होता है भाई। ऐसा यूनिट जो फ्रिक्वेंसी की होती है वो हर्ट्ज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ हर्ट्ज। तो ऐसा यूनिट ऑफ सॉरी व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो आवृत्ति की ऐसा यूनिट यानी फ्रिक्वेंसी की ऐसा यूनिट वो होती है, वो हर्ट्ज होती है। एक साइंटिस्ट का नाम था रूडोल्फ हर्ट्ज, उनके ऑनर पे नाम पे इनकी ऐसा यूनिट को रखा गया है। तो 1 हर्ट्ज क्या होता है, तो 1 हर्ट्ज होता है 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसी को 1 हर्ट्ज के इक्वल होगा। अगर एक सेकंड में मान के चलिए 10 वाइब्रेशन हो रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी 10 है, एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन हो रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी 20 है, एक सेकंड में 50 हो रहे हैं तो 50 से 100 हो रहे हैं तो 100 हो रहे हैं, जितने वाइब्रेशन हो रहे हैं वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रिक्वेंसी कहलाती है एक सेकंड में। तो जो 1 किलो हर्ट्ज, ये छोटी यूनिट होती है हर्ट्ज, तो इसको हम 1 किलो हर्ट्ज मान लेते हैं। तो 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू होता है 1000 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। और ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दी, इसकी ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है, 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। या हम इसका फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला इसका होता है जो फ्रिक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड,
फ्रिक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब है अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्वेंसी की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, 1 सेकंड में कितनी, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, उसी को हम फ्रिक्वेंसी कह रहे हैं। अगर 1 सेकंड में मान के चलो 2 वाइब्रेशन हो रहे हैं तो 2 सेकंड में 4 होंगे। तो जैसे जैसे टाइम को बढ़ाते जाएंगे वाइब्रेशन कम होता जाएगा, फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा। यानी कि 1 सेकंड में अगर पहले 2 वाइब्रेशन हो रहे थे तो अब 4 हो रहे हैं, तो टाइम कम हो गया, फ्रिक्वेंसी बढ़ गई। अगर फ्रिक्वेंसी को हम कम करें तो टाइम बढ़ जाएगा, फ्रिक्वेंसी 1 सेकंड में 2 हो रहे हैं तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये फ्रिक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, सॉरी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, अगर टाइम पीरियड को बढ़ाएंगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये रिलेशन होता है टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी में। उसके पहले मैं वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी का आपको रिलेशन बता चुका हूँ, वो होता है 1/फ्रिक्वेंसी। ये यानी कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो हमने सीखा इसमें कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। एक बार फिर बता दूं कि मान के चलो ये 1 वाइब्रेशन हुआ यहां से यहां तक, यहां तक 1 वाइब्रेशन हुआ, उसके बाद यहां से यहां तक 2रा वाइब्रेशन हुआ, उसके बाद यहां से यहां तक 3रा वाइब्रेशन हुआ, सो ऑन, इस तरह चलता जाता है। तो 1 सेकंड में मान के चलिए 1 वाइब्रेशन हुआ यहां से यहां तक, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 1 हर्ट्ज हो गई। अब 1 सेकंड में अगर 2 वाइब्रेशन होते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो जाएगी। 1 सेकंड में अगर 10 वाइब्रेशन होते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज हो जाएगी। जितने वाइब्रेशन 1 सेकंड में होंगे वही उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। मान के चलिए एक उदाहरण लेते हैं अपन कि 2 सेकंड में 50 वाइब्रेशन हो रहे हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। 2 सेकंड में 50 हो रहे हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 25 हर्ट्ज। 1 सेकंड में कितने होंगे, 25 होंगे, 2 सेकंड में 50 होंगे। तो इस प्रकार हमने फ्रिक्वेंसी को समझा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, वो करेंगे एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड, क्या होता है उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।